स्वागत है आप सबका दी वॉकिंग टेल्स की अगली कहानी में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले सब लोग सही सलामत और सुरक्षित हैं, और आप लोगों से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि कृपया सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर में ही रहें, और यदि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो मास्क और ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलें ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें। शुक्रिया। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। आज मैं आपको ब्रिटेन की सैर कराने वाला हूँ। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कई ऐसी जगह हैं ब्रिटेन में जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हैं। दुनिया में इनके बारे में न जाने कई कई बातें प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रिटेन की उन खतरनाक भूतहा जगहों के बारे में। सबसे पहली जगह हाईगेट कब्रिस्तान यानी कि हाईगेट सेमेट्री, जो कि लंदन में है। इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ जो पूरी इसी के बारे में है। आप हो सके तो उस वीडियो को जरूर सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। खैर, रात को लंदन का हाईगेट कब्रिस्तान एक हॉरर फिल्म की तरह दिखाई देता है। ये लंदन की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखने का दावा किया है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी ज़्यादा प्रचलित है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में बनाया गया था। दूसरी जगह कुलेडन मोर नियर इनवर्स स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 16 अप्रैल 1746 को कॉलेंडो की बंजर भूमि पर एक भयानक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें जैकोबाइट विद्रोहियों की भारी संख्या में हत्या कर दी गई थी। हॉलैंड सीमा शुल्क और परंपराओं का दमन करने के लिए ये हत्याएं की गई थी। माना जाता है कि इस युद्ध की सालगिरह पर मरे हुए सैनिकों और लोगों के भूत जिंदा हो जाते हैं, और उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ें और हथियारों के टकराने की आवाज़ें एकदम साफ सुनाई देती हैं। तीसरी जगह है टावर ऑफ लंदन यानी कि लंदन का टावर। टावर ऑफ लंदन ब्रिटेन के सबसे पसंदीदा और आकर्षक स्थानों में से एक है। माना जाता है कि ये टावर भी कई मरे हुए लोगों का घर है। कुछ लोग इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मानते, क्योंकि इस जगह पर असंख्य लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं और उनके सर भी काटे गए। इस जगह पर सबसे ज्यादा बार यहाँ की राजकुमारी का भूत देखा गया, जिनकी हत्या उन्हीं के चाचा चाची रिचर्ड और एनी बेलिन ने की थी। इस टावर में से एक अजीब सी गंध और चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। चौथी जगह है रिनहम हॉल ब्रिटेन। ये माना जाता है कि ब्रिटेन की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ एक भूरी लेडी का भूत रहता है। लोग इस भूत को भूरी लेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भूरे रंग के कपड़ों में दिखाई देती है। इस महल में जो भूत दिखाई देते हैं वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री की बहन डॉर्थी वॉलपूल की आत्मा है। ऐसा माना जाता है कि उसे यहाँ एक लोकल गार्ड के साथ प्यार करते हुए पकड़ लिया गया था। बाद में उसे रिनहम हॉल के एक कमरे में कैद कर दिया गया था और वह वहाँ मर गई, और उसकी आत्मा तब से इस इमारत में भटकती है। डॉर्थी के भूत को कई बार देखने का दावा किया गया है। बॉर्ली रिएक्ट्री एसेक्स। बॉर्ली रिएक्ट्री कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये इंग्लैंड की सबसे भूतहा घर में से एक है। बॉर्ली रिएक्ट्री घर 1863 में हेनरी डॉसन एलिस बुल के लिए बनाया गया था। इसे विक्टोरियन हवेली भी कहा जाता है। माना जाता है 13वीं शताब्दी में यहाँ के एक चर्च की नन बॉर्ले मठ के एक भिक्षु से प्यार करती थी, जिसे पकड़ लिया गया और दोनों को मार डाला गया। भिक्षु को फांसी पर लटकाया गया, जबकि नन को मठ में ही ईंटों से बने एक तहखाने में दफन कर दिया गया था। घोस्ट हंटर्स इसे ब्रिटेन का सबसे खौफनाक घर मानते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लंदन की इन भूतहा जगहों के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। अगली बार और भी ऐसी ही रोमांचक जगहों के बारे में और अलग अलग कहानियाँ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा।